की इस वीडियो में मैं आपको टाउन प्रिपेयर करना बताऊंगी, यानी कि मैं आपको ये बताऊंगी कि टाउन को किस तरीके से पूरा अच्छे से फुल्ली सर्व प्रिपेयर किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं, पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस बार जो वीक है वो वाउचर वीक है। स्पेशली जैसे अभी हमने पहले 3x XP वाला जो है वो वीक हमने किया था, और उसके बाद अभी कॉइन वाला भी आया, सब तरह के इवेंट चल रहे हैं। और अभी जो चल रहा है वो है, अब जो आया नया स्पेशल वीक है वो वाउचर वीक है, जिसमें कि आपको पूरे हफ्ते अच्छे से वाउचर मिलेंगे। तो अगर आप लोगों के पास वाउचर कम है तो आप पूरी कोशिश कीजिए इस वाउचर वीक में कि मैक्सिमम जो वाउचर जो वो आप ले सकें। तो उसके लिए देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि मंडे को आज यानी कि स्पिन द व्हील है, और उसके बाद ट्यूसडे टू फ्राइडे ग्लोबल फिशिंग इवेंट, यानी कि आपको उसमें फ़िशिंग करनी है और फिशिंग करने से आपको वाउचर मिलेंगे। सबसे अच्छी बात इस इवेंट के साथ में ये रहेगी कि इसके साथ ही कल पावर डर्बी भी स्टार्ट हो रही है। पावर डर्बी के बारे में मैंने आपको पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूँ कि पावर डर्बी में हमें जो टास्क मिलते हैं वो हमें डबल करने होते हैं, यानी कि जैसे हमें 18 करने होते हैं, और हम एक टास्क जो है वो खरीद करके करते हैं हमेशा, एक डायमंड लेकर के एक 19वां टास्क और करते हैं हम लोग। तो यूँ समझिए कि मुझे एक तरीके से कल पावर डर्बी में 19 टास्क कंप्लीट करने हैं, इसी तरीके से आपके भी लीग के हिसाब से जो है वो आपको टास्क कंप्लीट करने होंगे। तो ये टास्क जो होते हैं वो डबल होते हैं और बहुत ईजी होते हैं। सबसे अच्छी बात इसमें होती है कि बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं ये, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। और जितना जो टाइम, जैसे आप ये समझ लीजिए कि जो सिंपल एक डर्बी होती है उसमें हमें 4 बोट रवाना करनी होती है तब हमारा टास्क कंप्लीट होता है, इसमें आप सिर्फ 2 बोट रवाना करके टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, जस्ट हाफ होता है टास्क, जितने भी होते हैं वो हाफ हो जाते हैं और हमारा काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो ट्यूसडे टू फ्राइडे जो है वो फिशिंग इवेंट है, और उसके बाद सैटरडे को एक्स्ट्रा रैंडम वाउचर्स मिलेंगे हमें सैटरडे के दिन बोट इवेंट के अंदर, और संडे के दिन ट्रक ऑर्डर इवेंट है, यानी कि पूरा हफ्ता आप आसानी से ये सारे काम करके, बोट रवाना करके, ट्रक रवाना करके और फिशिंग करके आप वाउचर्स ले सकते हैं। तो चलिए हम डर्बी को भी देख लेते हैं, कल पावर डर्बी है। तो पावर डर्बी में हम ये सारे इवेंट साथ साथ चलते रहेंगे, तो इससे हमें ये डबल फ़ायदा हो जाएगा, डर्बी कंप्लीट हो जाएगी और हमारा ये जो वाउचर वीक है वो भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको शायद एक बार पहले भी बताया था कि हमें जब भी डर्बी आती है उसके एक दिन दो दिन पहले से हमें अच्छे से डर्बी को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। आपको शायद पता होगा जो अच्छे डर्बी जो होती है, जो भी ज़्यादातर, अब जैसे हमारे पिछली बार ब्लॉसम डर्बी थी, उसके बावजूद भी दिन में 1:30 बजे ब्लॉसम डर्बी स्टार्ट हुई थी और हमने रात की 11 या 12 बजे डर्बी पूरी फिनिश कर दी थी। तो क्योंकि हम सभी लोग जो हैं वो अपने टास्क जो होते हैं वो दो दिन पहले से बिल्कुल रेडी रखते हैं, तो उसी की मैं आपको शुरुआत बता देती हूँ। और आप लोग भी इसी तरीके से खेलिए। आप लोग बार बार कहते हैं कि अच्छी डर्बी खुद बन जाएगी, आप लोग सभी लोग मिल करके एक अच्छी डर्बी खुद बना सकते हैं, उसमें खूब बहुत अच्छे से सब कुछ प्ले कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमारे टाउन रेडी कर लेना चाहिए। अब देखिए, ये टाउन हॉल जो है वो मेरा 12 लेवल का है और इसके अंदर 42 विजिटर्स जो हैं वो मेरे इसमें आते हैं, और विजिटर्स जो हैं उनको मैं फुल्ली सर्व कर दूंगी 42 विजिटर्स को, ताकि अगर मेरा ट्रेंड टास्क आता है जिसमें कि फुल्ली सर्व वाले में, तो या तो 23 वाला होगा, 16 वाला होगा, या मैं अगर चाहूँगी तो एक्ट्रेस, 5 एक्ट्रेस रेडी, या 5 जो भी अलग अलग तरीके से मैं कुछ भी, कोई सा भी टास्क किसी भी तरीके से ले सकती हूँ। तो मैं पहले 42 जो मेरे विजिटर्स आपको दिख रहे हैं उनको मैं फुल्ली सर्व करती हूँ। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, मैं सबसे पहले ये देखूँगी कि रेडी कितने हैं। ये देखिए, इतने विजिटर्स मेरे बिल्कुल रेडी हैं। तो हमें टाउन में कहीं पर भी, चाहे वो बेड एंड ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो स्पा हो, किसी भी बिल्डिंग को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि हाथ लगाते ही वो विजिटर्स जो है वो वहाँ से निकल जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि, अब देखिए ये वाली रेडी इन स्पा, स्पा में रेडी है। इससे पहले भी देखिए एनाबेला जो है वो, उसका डिनर रेडी है, आप लिखा हुआ भी देख रहे होंगे स्क्रीन पे, डिनर रेडी है, पर इसका जो है वो अभी ये रेडी नहीं है, ग्रोसरी। तो इसके लिए मैं इसको यहाँ पे इसको क्लिक किया, ये देखिए 2 ऑप्शन आ गए, सी विजिटर्स, कलेक्ट रिवार्ड, रिवार्ड मैंने कलेक्ट कर लिया, अब ये वहाँ से निकल चुकी हैं। तो अब मैं इनको
ग्रॉसरी में भेज दूंगी तो ये फुल्ली सर्व हो जाएंगी। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे इसको इनके दो चीज़ें कंप्लीट करनी है, ये भी स्पाम में है तो मैं यहाँ से भी रिवार्ड कलेक्ट कर लेती हूँ और इनको अगली उसमें भेज देती हूँ। पहले मैं यहाँ से सारे रिलीज़ कर देती हूँ, उसके बाद बाहर से देखेंगे। देखिए ये सारे कंप्लीट है, फुल्ली सर्व है। ये देखिए इनका भी अभी एक ही हुआ है तो इसको, ये भी गिफ्ट शॉप में है, इनको मैं आगे रिवार्ड कलेक्ट कर लेती हूँ और उसके बाद भेज दूंगी। ये देखिए रेडी टू स्पा, इनको भी भेज देती हूँ मैं यहाँ से। कलेक्ट रिवार्ड कर लिया मैंने, यहीं से हमें रिवार्ड जो है कलेक्ट कर लेना है, इससे ये बाहर आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं मुझे बिल्डिंग को कहीं पे भी हमें हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि देखिए जो फुल्ली सर्व विजिटर्स होते हैं उनके हाथ में देखिए आप दिख रहा होगा गिफ्ट होते हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये विजिटर्स आपके फुल्ली सर्व हैं। अब देखिए ये घूम रही है बाहर, इसको मैं देख लेती हूँ। इनको अभी हमने रिलीज़ किया है, इनको गिफ्ट शॉप में भेज देती हूँ। इनका दो जगह भी और जाना है। बिल्डिंग में आप कहीं टच मत कीजिए, ये घूम रहे हैं, इनको सिनेमा भेज देते हैं क्योंकि इनको दो जगह और जाना है अभी। ये देखिए ये जो है ये बेड एंड ब्रेकफास्ट के विजिटर हैं, इनको मुझे टच करते ही ये यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ये दोनों फुल्ली सर्व हैं, इनके पास आप देख सकते हैं गिफ्ट है। ये देखिए ये खड़ी हैं, इनको सिर्फ ग्रॉसरी भेजना है, इसके बाद ये भी फुल्ली सर्व हो जाएंगी। यहाँ पे देख लेते हैं, ये जिनको हमने जितने भी व्यक्तियों से हमने रिवार्ड कलेक्ट कर लिए थे वो बाहर निकल आते हैं और घूम रहे होते हैं, जिन्हें हम वापस भेज देंगे। इसके बाद मैं आपको वापस से बताऊंगी, इनको हम सिनेमा भेज देते हैं। ये देखिए अब एक भी विजिटर मेरा बाहर नहीं है। अब रही बात इनकी कि हमें इनको हम वापस से कैसे देख करके, जब हमें बिल्डिंग टच नहीं करनी है तो हम इनको कैसे वापस भेजें। देखिए मैं वापस टाउन हॉल में जाती हूँ, हमें ये सारा टाउन को कंप्लीट करने के लिए टाउन हॉल से कंट्रोल करना हो चाहिए हमें, तो ये टाउन हॉल में गई। अब मुझे देखना है कि वेटिंग कहाँ, ये वेट कर रहे हैं। ये देखिए तो देखिए आ गया आपके सामने निशान आ गया वेटिंग का, कि ये जो है वो गिफ्ट शॉप में वेट कर रही है। अब आप देख लीजिए सामने आ गया सी विजिटर, यहाँ पे मैं गई। अब मुझे ये दोनों विजिटर दिख रहे हैं, मैं इनको सर्व कर दूंगी। ये देखिए इससे जो गिफ्ट शॉप में जितने भी विजिटर रेडी थे वो बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि मैंने उनको टच नहीं किया। अब मैं वापस जाऊंगी टाउन हॉल में और इसी तरीके से दूसरा देख लूंगी। ये देखिए सिनेमा में जाती हूँ मैं, सी विजिटर, यहाँ पे देखिए चार व्यक्ति आ चुके हैं और ये मेरे पास अभी नहीं है, इसका हेल्प मांग लेती हूँ मैं और ये कंप्लीट कर देती हूँ, इन्हें भी ये दे देती हूँ। ये भी एक तरीके से सर्व हो गए। अब मैं फिर से टाउन हॉल में जाऊँगी, बेड एंड ब्रेकफास्ट सी विजिटर। ये देखिए यहाँ पे छह व्यक्तियों को मैंने भेज दिया है वापस से, इन सभी को हम सर्व कर देते हैं। फिर से इसमें जाएंगे, अब देखिए ग्रोसरी में जाना है हमें सी विजिटर, ग्रोसरी में दो व्यक्ति हैं, इन्हें भी हम सर्व कर देते हैं। ये देखिए इसके बाद फिर हम जाएंगे वापस से सिनेमा सी विजिटर। अच्छा सिनेमा में सिर्फ एक व्यक्ति की हेल्प हमने मांग ली, सिनेमा कंप्लीट है। अब बीच कैफे जाएंगे, बीच कैफे में एक व्यक्ति है, इसको भी हमने सर्व कर दिया। हमें कुल मिलाकर के ये सारे 42 विजिटर्स जो हैं इनको फुल्ली सर्व कर देना है, ताकि जब कल डर्बी स्टार्ट होगी तब उस समय में जिस तरह का टास्क होगा उसको मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं ये देखिए मेरा टाउन हॉल, इसमें देखिए एक सिनेमा वाले पे मैंने हेल्प मांग रखी है, इसके अलावा वेट अब कोई भी नहीं कर रहा है। और देखिए अब रेडी में लगभग सारे आ जाएंगे, ये देखिए जिसके आगे तीनों पट्टिक लगी हुई है वो सारे फुल्ली सर्व हैं। अब आप देख सकते हैं ये देखिए ये एक व्यक्ति जो है रेडी टू स्पा, ये अभी अब इनको भी मैं रिलीज़ कर देती हूँ कलेक्ट रिवार्ड। इसके बाद और कौन सा है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, अब सारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक और मैंने देखा था, उनको भी फ्री करते हैं हम यहाँ से। ये देखिए रेडी टू डिनर, इनको हम यहाँ से भेजेंगे ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट पर कलेक्ट रिवार्ड। अब ये जितने भी व्यक्ति हैं ये आप देख सकते हैं ये सारे व्यक्ति फुल्ली सर्व है, अब इनको मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जो बाहर घूम रहे हैं मुझे उन्हीं में से देखना होगा। ये देखिए ये जा रहे हैं, ये इनको बेड एंड ब्रेकफास्ट जाना है पर बेड एंड ब्रेकफास्ट फुल है तो इसलिए ये भी बाहर ही रहेंगे। और किसी भी बिल्डिंग को हमें टच नहीं करना है बिल्कुल भी, नहीं तो आपके टच करते ही वो विजिटर वहाँ से चला जाएगा। तो जब तक अभी ये हो, देखिए इनको ग्रोसरी में भेज देते हैं।
और ग्रॉसरी में मैं जा करके इनको वेटिंग पे जा करके सर्व कर दूंगी। अभी ये आए नहीं है, देखो वॉकिंग टू द ग्रॉसरी स्टोर चल रहे हैं अभी ये सी विजिटर। इनको हमें करना है 9, ये बड़ा मुश्किल काम है पर करना पड़ेगा, हमें इसको कंप्लीट करना ही होगा। तो यहाँ पे मैं हेल्प मांग लेती हूँ, बाई दी वे किसी के पास हो तो, और नहीं होगा तो फिर मैं ही हेल्प कर दूँगी। तो ये तो मैंने आपको कंप्लीट टाउन को रेडी करना बताया, इसके अलावा भी आप लोग देखिए मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें बनने रख दी हैं कल की डर्बी के हिसाब से। आप मैं जो बता रही हूँ वो सारी चीज़ें आप रेडी करके रख लीजिए, जैसे रेडबेरी केक जो है लगभग 6 या 8 आप तैयार करके रख लीजिए। एक उसके लिए आपको मैंने आपको बताया भी था कि आप पहले सबसे पहले तो ये कीजिए कि अपने बान को फुल कर दीजिए। ये देखिए ये बान है मेरा, अब इसमें अभी देखिए काफ़ी स्पेस पड़ा हुआ है, 3250 का है, तो मुझे 60 कुछ चीज़ें खरीदनी होंगी, उसके बाद मेरा बान कंप्लीट होगा और उसके बाद ही मैं कुछ कर सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे आप ऐसा कीजिए कि ऐसा सामान खरीदिए जो कि जैसे ये है, ये देखिए ये भी आसानी से बिक जाता है, ये आसानी से बिक जाता है। ऐसी चीज़ें मत खरीदिए जो कि बिकती नहीं हो, जैसे आपने देखा होगा कि ये जो चिली पॉपकॉर्न है बहुत मुश्किल से बिकते हैं, ये स्मूथी भी बड़ी मुश्किल से बिकती है, तो इसको मत खरीदिए। आप ऐसी चीज़ खरीदिए जिससे कि आप वो चीज़ आप आसानी से वापस से बेच सकें, आपको कोई परेशानी नहीं हो। ये खरीद लेती हूँ मैं मफिन्स, क्योंकि मफिन्स मुझे लगाने हैं, ये खरीद लीजिए केक, ये इसी तरीके से कोई भी चीज़ आप खरीद लीजिए और अपने उसको कंप्लीट कर लीजिए, बान को फुल कर लीजिए। ये भी खरीद लेती हूँ मैं, हो चुका है फुल, देखिए आप अब बान में कितनी जगह है, 2 की जगह और है मेरे पास, तो मैं 2 चीज़ें और इसमें से ऐड कर देती हूँ। कैरेट वाली दोनों चीज़ें मैंने उठा ली, ठीक है। अब देखिए हो चुका है ये 50 वाला, 3250 पूरे हो गए। अब उसके बाद में कोई भी चीज़ में मैं लगाती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अब जैसे ये यहाँ पे मैंने ये चिली पॉपकॉर्न है, इनको और बनने रख देती हूँ मैं, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब ये 3 बने हुए भी हैं, 6 और बन जाएंगे, कल मेरे टास्क में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसी तरीके से ये देखिए अब ये हाथ लगाने पर ये भी आप देख रहे हैं ना, कोई भी चीज़ जो है बांध में नहीं जा रही है। ये 1 मैंने लगाया, ये मुझे 6 लगाने, देखिए 1 तो मैंने बना ही रखा, 2 बना रखे और 4 और बनने रख दूंगी, पर अगर 1 के बाद में आप देख लीजिए ये मेरा ये अब इससे भर दूंगी मैं, हमारा बांध जो है वो खाली हो गया होगा, उसको वापस आप भरते जाएं। फिर अब मैं इसमें से 1 और लगा देती हूँ, देखिए अब हमारा बांध फिर से खाली हो गया है, क्योंकि इसमें 1 लगते हैं और ये देखिए 2 चीज़ें इसमें से कम हो गई, तो आप 2 चीज़ें फिर से भर दीजिए। तो कोई भी चीज़ से आप भर सकते हैं, ये देखिए मैं हनी से ही कर देती हूँ कंप्लीट इसको, ये देखिए अब और नहीं जा रहा, इट मीन्स ये फुल हो चुका है। अब मैं यहाँ 1 केक और बनने रख दूँगी। तो इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें बस बार बार आपको बांध कंप्लीट करना होगा और उसके बाद आपको दूसरी चीज़ें जो है वो सारी उसमें भरते जानी है, ये आप करते जाइए। तो इसी तरीके से आप सारी चीज़ें आप चाहें तो नोट करके रख लीजिए, रेडबेरी केक बना के रख लीजिए, ब्लैकबेरी मफिन्स तैयार कर लीजिए, एग एंड बेकन तैयार कर लीजिए, चिली पॉपकॉर्न तैयार कर लीजिए, स्मूथीज तैयार कर लीजिए, एप्पल जूस तैयार करके रखिए, कैंडी मशीन को खाली रखिएगा, क्योंकि कैंडी मशीन में हमें कुछ कैंडीज़ ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। ये देखिए ये कैंडी मशीन है, अब ये आप देख सकते हैं जैसे ये वाला है 17 घंटे लेती है चॉकलेट, और ये देखिए जेली बीन्स जो है ये पूरे 20 घंटे लेती। तो आप कल ऐसी चीज़ मत लगाइए जिससे कि आपकी मशीन जो है वो बिज़ी हो जाए, उसकी जगह आप ये कैंडी बनने के लिए, टॉफ़ी जो है बनने के लिए रख दीजिए। मैं कम से कम 5 या 6 टॉफ़ी बना करके रख लेती हूँ जिससे मुझे कल जो है वो डर्बी में हेल्प मिलेगी। तो आप इसी तरीके से सारी चीज़ों जो हैं इसी और आप देख लीजिए वनीला आइसक्रीम बना करके रख लीजिए, गोट चीज़ बनाइए, सीरम बनाइए, बस यही चीज़ें बार बार आती हैं हमें डर्बी में, तो इन चीज़ों को आप प्रिपेयर करके रख लीजिए। अभी स्पिन द व्हील है तो हम व्हील भी चला करके देख लेते हैं कि आज कोई वाउचर मिलता है या कुछ और मिलता है। अरे वाह, स्पिन अगेन, यानी कि मुझे एक बार और स्पिन करने का मौका मिलेगा और मुझे 13,200 रुपये मिल गए हैं मिलेंगे। ये देखिए अब मुझे अगर एक बार और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मुझे 26,000
₹400 मिलेंगे। वापस ट्राई करती हूँ मैं। वैसे मेरे पास 3 स्टार आने वाला सिर्फ एक ही मौका आया था, मैंने उसमें तीन बार स्टार जीते थे और मुझे मैक्सिमम प्राइज मिले थे ये 39600। तो ऐसा मौका कभी ही आता है, पर कोई बात नहीं, इस बार हमने 2 बार तो ये चांस लिया ही है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, आप लोग कल की डर्बी की पूरी तैयारी करके रखिए, और वाउचर वीक भी है उसकी भी आप पूरी तैयारी करिए, जिससे कि आपको मैक्सिमम वाउचर्स मिल सके। तो फ्रेंड्स, कल के लिए रेडी हो जाइए, और अगर आपको हमारी ये सारी बातें और हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।